फूलों के पैसे। क्यों, क्या हुआ तुम्हें? और जो मेरे चाचा ने तुम्हें देख लिया होता तो? वो मोर्चा तो मैं कब कसर कर चुका हूँ, अब जब वो मुझे देखेंगे तो अपनी आंखों पे बिठाएंगे। जानती हो वो चारों आजकल मेरी मुट्ठी में हैं। यही तो तुम्हारी भूल है। तुम तो खामखा अपना दिल छोटा करती हो, बस थोड़े दिनों की तो बात है और फिर। तुम तो समझते तुमने मोर्चा फतह कर लिया है। क्यों, अभी कोई और चाचा मामा बाकी है? नहीं, लेकिन यही तो तुम भूल गए कि उनकी नजर में तुम एक नहीं अलग अलग चार लड़के हो, और मेरे चारों चाचा एक दूसरे की पसंद को नफरत की निगाह से देखते हैं। ओ नो, मैं सचमुच पागल हो जाऊंगा। पागल तो तुम ये सुनकर होगे कि उन चारों ने तुम चारों को परसों मेरे जन्मदिन पर खाने पे बुलाया है। ठहरो ठहरो, क्या कहा तुमने, फिर से कहो। जी संजीव साहब, आपने मेरे भोले चाचाओं को अलादा अलादा धोखा देकर जीता है। जब आप उन चारों के सामने चार नहीं एक बनकर जाएंगे तो आपका सारा भांडा फूट जाएगा। मारे गए, अब क्या होगा? सुषमा तुम ही कोई तरकीब बताओ। एक ही तरीका है। क्या क्या, बताओ बताओ। कोई जादूगर को ढूंढो। जादूगर को? हाँ, जो तुम्हें एक के चार लड़के बना दे। तुम्हें तो हंसी सूझ रही है। मुझे तो कोई और सूरत नजर नहीं आती। लेकिन ये बात तो सच है कि मुझ में उन चारों लड़कों के गुण मौजूद हैं जिन्हें तुम्हारे चाचा पसंद करते हैं। फिर अगर मैं चार की बजाय एक हूँ तो इसमें हर्जी क्या है? उन्हें तो उल्टा इस बात पर खुश होना चाहिए। उफ़ू, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? जिस तरह बड़े चाचा एक्टिंग, रॉक एंड रोल, योगा से नफरत करते हैं, उसी तरह हर एक चाचा एक दूसरे की आदत और पसंद से चिढ़ते हैं। बस इसीलिए जब वो एक साथ हो तुम उनके सामने नहीं जा सकते। नहीं आ सकता, बाकी नहीं आ सकता। सुषमा खत्म हो गया, मेरे चाचा आ गए, मेरे साथ चलो। चल काफी अच्छा है तुम्हारा। तुम्हें कमरे की सूची है और मेरी जान पर बनी हुई, किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो क्या होगा? इसकी फिक्र तुम ही करो, तुम्हें जवाब देना होगा मैं यहाँ क्यों आया। मेरी मजबूरी का मजाक उड़ाते तुम्हें शर्म नहीं आती? अच्छा, जब थोड़ी देर पहले तुम मेरी मजबूरी का मजाक उड़ा रही थी उस वक्त क्या हुआ? क्या मजे ले लेकर चिढ़ा रही थी? मुझे किसी जादूगर को ढूंढना चाहिए। अब तुम्हें ढूंढो किसी जादूगर को जो मुझे यहाँ से फौरन गायब कर दे। बेटी सुषमा, सुषमा बेटी मर गई, बड़ी तक आ गए। रामायण की नई प्रत तुम्हारे पास है क्या? यहाँ तो कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? मेरे मतलब है वो एडिशन यहाँ नहीं आया। पसीना पसीना हो रही हो, तबीयत तो ठीक है ना? मैं सामने वाला दरवाजा खोल देता हूँ, ताजी हवा आएगी। नहीं चाचा, बड़ी चाचा इसे ना खोले, मुझे सर्दी लग रही है। ये कैसी सर्दी है जिससे पसीना आ रहा है? देखा, ठंडी हवा की एक ही झोंके से तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई। इसे हमेशा खुला रखता है। तुम यहाँ कैसे? मैं, मेरा मतलब है मैं आप ही से तो मिलने आया था, कमरे में किसी को नहीं देखा इसलिए वापस जा रहा था। अच्छा हुआ मेरे भाइयों में से तुमको किसी ने देखा नहीं, वरना अपनी तो पतंग कट गई होती। कैसे? कुछ परवाह नहीं, जिस तरह तुम बिन देखे अंदर आ गए हो इसी तरह चुपके से उड़ंसी हो जाओ। अच्छा, और सुनो, परसों सुषमा डार्लिंग का बर्थडे है, ठीक 8 बजे रात को इधर पहुंच जाना और मेरा बन ठन के बाकी तमाम भाइयों पर जरा तुम्हारा रौब डालने का है। ओके अंकल। ठहरो, पहले मुझे देख तो ले ले दो, कोई कबाब में हड्डी तो नहीं है? लाइन क्लियर। थैंक यू। अच्छा बेटी, मैं नीचे जाके देखता हूँ। हेलो सुषमा डार्लिंग। हेलो अंकल, आप कब आए? अभी आया, क्या बात क्या है? बस कल जो आप रॉक एंड रोल के नए स्टेप बताए थे ना, वो कुछ नहीं है,
Oh, sure. It's very easy. Come on. कौन? डाकर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चचा जान, मैं तो आप ही की नियाद हासिल करने आया था. अच्छा हुआ. घर में कोई नजर ही नहीं आ रहा. अच्छा हुआ तुम्हें किसी ने नहीं देख लिया. अगर कोई देख लेता तो गजब हो जाता. परसों सुषमा के साल गिरह पर ही मैं तुम्हें सबसे मिलाऊंगा, उससे पहले नहीं. इसलिए अब तुम यहाँ से दबे पांव चले जाओ, परसों मिलेंगे. जी अच्छा. ठहरो. देखो जरा रास्ते में कोई कांटा तो नहीं है. जी चलो निकलो बाहर. कहाँ छुपे बैठे हो? परसों ठीक 8 बजे. भूलना नहीं. जी अच्छा. बेटी सुषमा, वो पुस्तक मिल गई. तुम चिंतित मत होना. अरे विद्यार्थी जी, आप? जी, आपके दर्शनों की तृष्णा मुझे यहाँ तक ले आई. सोचा आपसे तनिक ज्ञान ध्यान की बातें हो. आज नहीं, परसों बिटिया के जन्मदिन का शुभ अवसर है. आप रात को 8 बजे अवश्य पधारिएगा, क्योंकि मैं अपने परिवार को आपके ज्ञान ध्यान की बातें सुनवाना चाहता हूँ. जैसी आपकी इच्छा. अच्छा जयराम जी की जरा धीरज धरे. राम 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 राम. कुमारी सुषमा जी, कल शाम को ठीक 5 बजे उसी जगह मैं आपके दर्शनों का अभिलाषी होगा. मैं तो दिन भर ये सोच के पागल होती रही, अगर कल तुम पकड़े जाते तो क्या होता. इन सब डरों से बचने का एक ही रास्ता है, सिविल मैरिज. अगर मुझे सिविल मैरिज ही करनी होती तो मैं तुम्हें इतने स्वांग रचाने क्यों देती. मैं अपने चाचाओं की मर्जी के खिलाफ एक कदम भी नहीं उठाऊंगी. फिर तुम ही सोचो, कल मेरे जन्मदिन पर तुम मेरे चाचाओं के सामने किस तरह आ रहे हो. अच्छा सुनो. तुम्हारे चारों चाचा तो ये समझते हैं ना कि उन्होंने अपनी पसंद का लड़का ढूंढ लिया है. अगर वही चारों लड़के यानी कि मैं उनके हाथ से निकल जाए तो. क्या क्या? मैं कुछ सुनती नहीं. ये एक स्कीम है, अगर लड़की तो मजा आ जाएगा. सच? हाँ. जमुना बाई जी, सीधे हाथ पर आओ. अच्छा छोटे बाबू, क्या है बोलो. अब जा सकती हो. शॉर्ट कट मारना चाहती थी, क्या लॉन्ग कट भी आया. जरा बड़े चाचा को टेलीफोन दे दो. अच्छा बड़े चाचा, आपका फोन. श्री राम. हाँ विद्यार्थी जी, कहिए कैसे है, ठीक है ना? अच्छा अच्छा ठीक है, मैं 11 बजे तक पहुंच जाऊंगा. हेलो. बिग ब्रदर, इट्स योर. मैं जाने कौन है भाई, टेलीफोन पर ड्रामा बोल रहा है. ये हस्ती उस मायानाज अदाकार के सिवा और कौन हो सकती है. हेलो. जी मैं अदाकार बोल रहा हूँ. मैं 12 बजे रिहर्सल रूम में पहुंच रहा हूँ, वहां आपकी नियाज हासिल हो सकेंगे. शुक्रिया. होल्ड ऑन, जरूर किसी सर के बल खड़ा होने वाले का लगता है. हेलो. जी मैं गजानन बोल रहा हूँ, मेहरबानी करके 1 बजे मुझे आश्रम में मिलिए. नमस्कार. हेलो
अंकल डार्लिंग। हेलो सनी बॉय ऑन द लाइन। यस 2 बजे ओके आई विल बी देयर इन टाइम। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं एक धार्मिक आदमी हूं और सुषमा को भी अपनी ही तरह धार्मिक समझकर इस रिश्ते के लिए हाँ की थी, परंतु मेरे साथ विश्वासघात किया गया है, इसलिए मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं सुषमा से ब्याह नहीं करूंगा। क्या कह रहे हो विद्यार्थी जी? निश्चय ठीक कह रहा हूँ, क्योंकि आपकी भतीजी जो इतनी बड़ी राम भक्त बनती थी, उन्हें मैंने अपनी आंखों से क्या देखा? रॉक एंड रोल करते देखा, सब आदमियों के साथ नाच करते देखा। ओ, बात ये है, मेरे एक छोटे भाई है, उन्हें ये क्लब व्लब का शौक है, वो उसे कभी कभी जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं, नहीं तो मेरी बेटी और रॉक एंड रोल राम 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 राम। दीजिए, मैंने उनको 3 अलग अलग लड़कों के साथ घूमते भी देखा। जानते हैं, इस घटना से मनुष्य के प्रति मेरा सारा प्रेम जैसे मर गया हो। आपको मेरे साथ इतना घोर अत्याचार नहीं करना चाहिए था। सुनिए तो, हे भगवान, राम 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 राम। अदाकार, तुमने सुषमा को गलत समझा। जिसे मैं फकत अपनी मंजिल समझा था, उसकी तरफ 3-3 और लड़कों के कदम भी पड़ रहे हैं। चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। अदाकार, नहीं नहीं, जिस लड़की की शादी की बात 3-3 और लड़कों से भी हो रही हो, उस लड़की को मैं अपनी पत्नी नहीं बना सकता। फैसला कर लिया कि मैं शादी नहीं करूंगा। अगर तुम ये शादी नहीं करोगे तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। तो ठीक है, फिर अगले जन्म में मुलाकात होगी। बाय बाय। बाय बाय। अगले जन्म में मुलाकात होगी। बाबा, आज तो मेरी बिटिया दुल्हन जैसी लग रही है, हैं? मैच शुरू होने का वक्त हो गया और खिलाड़ी अभी तक नहीं आए। बात यह है कि मैंने विद्यार्थी जी को यहाँ आने से रोक दिया था, क्योंकि आप तीनों को मेरा चुनाव पसंद नहीं था और मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से आपस में फूट पड़े। इसलिए मैं सुषमा को आज्ञा देता हूँ कि आप तीनों के बुलाए हुए लड़कों में से वो किसी को भी पसंद करें। यस यस, आज मैं अपने आप को खुशी की अथाह समंदर में पा रहा हूं, क्योंकि आज मुझे भी भाई साहब के नक्शे कदम पर चलने का फख्र नसीब हुआ है। मैंने उस बेमिसाल को यहाँ से रोक दिया है, इसलिए अब इंतखाब आप दोनों के बुलाए हुए लड़कों में से होगा, राइट? ये बात है तो आप ही की तरह आपस के एक एक के खातिर मैं भी अपना हक छोड़ता हूँ। सुषमा अब इनके चुने हुए लड़के के साथ शादी कर सकती है। कमाल है। आई नो मैं आप सबसे छोटा हूँ, बट दैट डजंट मीन कि मैं सेक्रीफाइस में आप लोगों से पीछे रह जाऊंगा। ओह नो, आप तीनों मुझसे बड़े हैं, आप तीनों मुझसे ज्यादा समझदार हैं, लिहाजा सुषमा के लिए आप लोग जो भी लड़का चुनेंगे डेफिनेटली बेटर चॉइस होगा। व्हाट डू यू से सुषमा डार्लिंग? आप लोग साफ साफ क्यों नहीं कहते कि कोई लड़का इस घर में आना ही नहीं चाहता? मेरी तरफ आप लोग आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हैं? हाँ, आप सबने मिलकर बिटिया की जिंदगी अजीरन कर दी है। जवान लड़की है मगर उसकी पसंद उसकी मर्जी की किसी को कोई परवाह नहीं है। आप लोगों ने तो उसे गुड़िया समझ रखा है, जिसे देखो अपने ही ढंग से नचा रहा है। ये सारा कसूर मेरा है। क्या सूझी थी मुझे जो अपनी पसंद के लड़के से सुषमा को शादी के लिए मजबूर कर रहा था? नहीं, दोष तुम्हारे अकेले का नहीं, मेरी इच्छा भी कुछ इसी प्रकार की थी। आजकल के मॉडर्न जमाने में लड़के लड़की को किसी भी चीज के लिए प्रेस नहीं करना चाहिए। शादी सुषमा डार्लिंग की थी तो उसकी चॉइस भी जरूरी थी, और हमें एक ऐसा मौका भी मिला था, लेकिन अपनी हरधर्मी की वजह से हमने उसे खो दिया। यू मीन वकील साहब का लड़का? हाँ, वाकई हमसे बड़ी जहालत हुई, हमें वकील साहब की बात मान लेनी चाहिए थी। किंतु उस भूल का प्रायश्चित हम अभी भी कर सकते हैं। राम ने चाहा तो वकील साहब को हम पर दया आई जाएगी।
इट्स लेट नाउ, वकील साहब हमें घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। लेकिन फिर भी हमें वकील साहब के यहाँ जरूर जाना चाहिए। मैं वकील साहब के चरण पकड़ के भी उन्हें मना लूंगा। लेकिन वकील साहब के यहाँ जाने से पहले हमें सुषमा की मर्जी जरूर मालूम कर लेनी चाहिए। मुझे यकीन है कि सुषमा ये रिश्ता जरूर पसंद करेगी। और सुषमा को ये लड़का सूट भी करता है, क्योंकि वकील साहब कह रहे थे ना तो वो रॉक एंड रोल जानता है, ना वो रामायण पढ़ता है, ना योग के आसन लगाता है, और ना ही उसे एक्टिंग का शौक है। चलो शुभकाम में देरी नहीं होनी चाहिए। चलो बेटे सुषमा, हमसे बहुत नाराज होना। भगवान जानते हैं बिटिया कि हमने जो कुछ भी किया तुम्हें सुखी बनाने के लिए किया, पर हमारा यह दुर्भाग्य है कि वही तुम्हें दुखी बनाने का कारण हुआ। Won't you forgive us? आज हम चारों ने फैसला कर लिया है कि हम कभी तुम्हें अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। आइंदा तुम अपने ढंग से अपनी जिंदगी गुजारने के लिए आजाद हो। और इसीलिए सुषमा डार्लिंग, हम तुमसे एक बात पूछने आए हैं, वो ये कि अगर तुमको वकील साहब का लड़का पसंद है तो हम उनसे बात करें। हालांकि हमें मालूम है वकील साहब हमें आसानी से लिफ्ट नहीं देंगे, इसलिए कि हमने उनकी बहुत इंसल्ट की है। लेकिन अगर तुमको ये रिश्ता पसंद है तो हम उनके पांव पकड़कर भी उनको मना लेंगे। बोलो क्या बोलती हो? आप लोग तशरीफ रखिए, अभी आते हैं वकील साहब। क्या हुआ तुझे? ऐसा लगता है जैसे तू भूत देख के आया। भूत नहीं बेबी जी, एक नाम नहीं, चार नाम है। नहीं मेरा मतलब है, एक नाम है, चार आदमी है। क्या बकता है? मैं ठीक कहता हूँ बाबूजी, आपसे मिलने आए हैं, चार आदमी है, बड़े अजीब से, चारों का एक ही नाम है, सक्सेना। कहते हैं बाल केसर रोड से आए हैं। जा उनसे कह दो मैं उन पागलों से मिलना नहीं चाहता। अच्छा जी, ठहरो मोहन, घर आए हों के साथ ऐसा सलूक नहीं करते। फिर ये भी हो सकता है कि वो अपने किए पर शर्मिंदा हो और आपसे माफी मांगने आए हों। जाइए, जाकर उनसे मिलिए। अब संजीव और सुषमा का जीवन सुखी बनाना आपके हाथ में है। नमस्ते वकील साहब। नमस्ते वकील साहब, बैठिए। कहिए कैसा है आपका रॉक एंड रोल? जी वो तो हो गया गोल। वकील साहब, हम आपके पास एक विनती लेके आए कि आप हमें क्षमा कीजिए। हम सब अपने के पे बहुत ही शर्मिंदा है वकील साहब। जी मी टू। उस दिन की तलखी को भूलना आसान तो नहीं, लेकिन खैर। और एक इल्तिजा ये है कि आप हमारी बेटी को अपने दामन में ले लें। यू सी, अब हमें मालूम हो गया है कि आपका बेटा और हमारी बेटी एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसी वजह से अब हम समझ पाए हैं कि आपने कितना बड़ा कदम उठाया था कि आप खुद रिश्ते के लिए हमारे पास आए थे। शुक्र है आप लोगों को भी इस चीज का एहसास हुआ। तो ये रिश्ता आपको मंजूर है? क्यों नहीं, क्यों नहीं। सुषमा जैसी बिटिया हमारी बहू बनकर आए, हमारे धन्य भाई। आप है संजीव की माँ, ये है सुषमा के चाचा। नमस्ते। इसी खुशी में आप लोग मुँह मीठा कीजिए। क्यों नहीं, क्यों नहीं। और संजीव कहाँ है? हम में से किसी ने उसको नहीं देखा। उसे देखने की हमें बड़ी आशा है। वो जरूरी काम से जल्दी ही बाहर चला गया, कल मिल लीजिएगा। अच्छी बात। नहीं ऐसा करते हैं, कल सुबह मैं आपके घर ले आऊंगा। नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जय राम जी की। जय राम। आदाब। आदाब। ये हमारी बेटी सुषमा। नमस्ते करो बेटिया। बस जीती रहो बेटी। और यह है मेरा बेटा संजीव। Thank you.